उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गागालेड़ी में रहने वाली रूपा नाम की महिला को उसके पति संजय ने तेजाब डालकर मारने की कोशिश की। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि जब इसकी रिपोर्ट लिखवाने महिला थाने पहुंची तो उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। मदद की गुहार लगाने महिला मंडल आयुक्त संजय कुमार के कार्यालय पहुंची। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित महिला की जुबानी। मेरे ससुराल वालों ने तेजाब गिरवाया, मेरे पति गिर गए। क्या नाम है पति का? संजय। किस जगह से हो? मैं रहती तो दीनारपुरे में, पापा ने मकान बना के दिया था यहाँ, लेकिन मैं रूपड़ी के ससुराल वाले, गांव का प्रधान है मेरा ससुर। क्या चाह रहे हैं ससुराल वाले, क्यों कर रहे हैं ससुराल? वो मकान में पापा ने लेख दिया था ना, और मैं दोनों लड़कियों के साथ रह रही थी वहाँ, उनके साथ ही। बस मैं परेशान करने लिए बेच दे नहीं गाँव में, वो चलो इसे बिकवा दे। पति क्या रहता है तुम्हारा? साथ ही रहते हैं, यहीं रहते 6 महीने से, उनके साथ ही रह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? तेजाब गिरने आए थे साहब, मैं सारे अंदर जाने चाहिए, मेरी सुनवाई कुछ नहीं जा रही। मैं खुलेआम चौंकी में रिपोर्ट करी, गई थी मैं बच्चों के साथ, पहले कह दिया जाओ देखेंगे, जाओ इंस्पेक्टर आगा, दरोगा आगा, यो कह कर भगा दिया। फिर मैं यहाँ फिरी सबके पास दी, किसी ने सुनवाई नहीं। मैं यहाँ आई कमिश्नर के पास, कहीं उन्होंने ऑर्डर लिख के कहने लगे एसपी सिटी के पास जाओ, मैं करेंगे। उन्होंने भी मुझे आधा घंटा पूछा, कहने लगे थाने जाओ। मैंने कहा साहब मैं थाने में 6-7 चक्कर काट आई, कुछ नहीं होता, मुझे बैठा कर रखा है, मैं अवसर नहीं है, सर नहीं है वहाँ सबते। उन्होंने कहा अब जो साहब मुँह धो कह रहे, खाना खाया कह रहे, मेरे सामने आ रहे जा रहे, फिर मुझे कह दिया जाओ तुम घर जाओ, बुलाया जाएगा हर रूपा। ठीक, कितने समय से बैठे हैं यहाँ पे? मैं सुबह की बैठी 9 बजे की यहाँ पे, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मैं प्रधान, उन्होंने पैसा खुआ रखा है उन्होंने थाने वालों को, मैं कुछ नहीं सुन रहे। पति का नाम आपके? संजय। मंडल आयुक्त ने SPCD विनीत भटनागर को महिला को न्याय दिलाने के आदेश दिए, लेकिन अभी भी कोई मदद नहीं की गई। आज सुबह से महिला अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ कमिश्नर कार्यालय पर न्याय के लिए धरने पर बैठी है। जब पूरे मामले का पता लगाने के लिए सिटी वैन ने गागलहेड़ी पुलिस चौकी से पता किया तो वहां के SO भानु प्रताप का कहना है कि मामला पिछले 2 महीने पुराना है। SO का कहना है कि डॉक्टर द्वारा जांच कराने पर पता लगा है कि तेजाब नहीं कुछ और केमिकल महिला के ऊपर डाला गया था। वहीं SO ने बताया कि महिला जब 18 जून को थाने पहुंची तो वह उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। महिला को वहां पर रुकने के लिए कहा गया, लेकिन वह रुकी नहीं, वहां से चली गई। गागालेड़ी SO का कहना है कि महिला की तरफ से कोई भी रिपोर्ट या प्रार्थना पत्र हमें नहीं दिया गया।